लोग स्टार्ट हो गया। जी सैंपल फ्लू पे जा रहे हैं और यहाँ हम डांस करते हुए जा रहे हैं। सैंपल फ्लू जो मेन झील है वो है पीछे। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड यू आर वेलकम इन और अनदर ब्लॉग। तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल। तो नरान के इस टूर में आज एक्सप्लोर करने हम निकलेंगे झील सैफल मलुक को, और इसके अलावा देखते हैं कि इसके आसपास और कौन सी जगहें होंगी और कौन सी प्लेसेस होंगी जिन्हें मज़ीद एक्सप्लोर किया जा सकता है, देखा जा सकता है। चलें अपना सफर स्टार्ट करते हैं। आने वाले क्लिप्स में खुद ही देख लेंगे। सैफल मलुक झील जाने के लिए वन ऑफ द टफेस्ट टास्क ये भी है कि यहाँ पे जीप करवानी पड़ती है और यहाँ की जो प्राइसिंग है बहुत ज़्यादा हाई है। अपनी सूटेबल रेंज में लाने के लिए थोड़ी बहुत बार्गेनिंग और ये सब चीज़ें भी साथ साथ चलती हैं। तो फाइनली हम लोगों ने जीप करवा ली है और हम कहाँ जाने लगे हैं? झील बहुत ज्यादा ऑफ रोड है, जीप कभी इधर कभी उधर कभी इधर उधर। अब थोड़ा सा पक्का रोड स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले का अगर रोड देखे तो बहुत ज्यादा ऑफ रोड था, है ना सजान? अब ये फिर से ऑफ रोड स्टार्ट हो गया है। हाँ, ये पहले वाले से जरूर कम था। पहले बहुत बड़े बड़े यहाँ पे स्टोन पड़े हुए थे, पत्थर पड़े हुए थे, अब कम है। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट और हिलजुल वाला इस तरह का रास्ता है, लेकिन बड़ा मज़ेदार एडवेंचरस रूट है। तो जहाँ पे खाई और इस तरह का इन्वायरमेंट व्यू, साथ ही गाड़ी के अंदर जीप के अंदर इस तरह इतनी मूवमेंट हिलजुल करते हुए ऊपर जाना, इट्स अच्छा यूनिक एंड प्लेजेंट जर्नी फॉर अस। पीछे नरान से ऊपर सैफल मलुक का जो सफर है तकरीबन 45 मिनट के राउंड अबाउट है, 30 to 45। बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोड होने की वजह से थोड़ा सा ये स्लो रूट है, स्लो सफ़र है। अदरवाइज अगर रोड अच्छा हो, ओके हो, तो गाड़ी बात करते जल्दी पहुँच जाए। लेकिन जिस तरह का ऑफ रोड है, स्लो स्लो जाना पड़ता है, बहुत तरीके के साथ आगे से भी जीप आ रही होती है, कई बार वन वे रूट ही हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए ही ऊपर जाना पड़ता है। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय अब हम आ गए हैं। देखो गाला बात जो हम नीचे से देख रहे थे, देखो कितना पास आ गए हैं। फिर काले बादल के जो हम नीचे से देख रहे थे कितना पास आ गए हैं।
इनको दे रहे हो, तुम लोग 8 बंदे हो। तो फाइनली गाइस चील सफल मलूक इज हियर। तो जहाँ तक एडवेंचर की बात करें, बहुत ही ऑफ रोड था वो, तो साथ साथ आपको बताया गया कि किस तरह का एडवेंचर है, सफ़र है, और आपने देखा भी है। लेकिन नो डाउट यहाँ से इस झील का व्यू, इस लेक का व्यू स्पेशल, जो इस चीज़ को और उभार रहा है, इस व्यू को और ज़्यादा प्रोमिनेंट कर रहा है, वो इसका ये माउंटेन फैक्टर है। अगर आप इसके आसपास देखें, इस झील के चारों तरफ माउंटेन है, पहाड़ है, और ये झील बिल्कुल एक सेंटर पॉइंट में है। तो जिसकी वजह से ये इस पॉइंट की दिलकशी का और ज़्यादा इस चीज़ को अट्रैक्टिवनेस की तरफ लेके जा रहा है। झील सैफल मलूक के पास एक छोटी सी लेक भी निकलती है झील के पास ही। तो इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट शॉप्स वगैरह, हॉर्स इस तरह की, और इसके अलावा बोटिंग इसके आप बोट में यहाँ पे थोड़ा सा एडवेंचर और इस तरह को कर सकते हो। तो इस तरह का काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, हम सैफल मलूक में मौजूद हैं और बड़ा कमाल का व्यू है यहाँ पे, और इस टाइम बोटिंग करने के लिए हम जा रहे हैं और व्यू बड़ा ज़बरदस्त है। वासी साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ, एक्साइटमेंट, बहुत एक्साइटमेंट है। हाँ, अभी बोटिंग होगी, शूट होगा, क्लिक्स होगी, वीडियोज होंगी आप, और जल्दी वहाँ का एक्सपीरियंस आपके साथ लाइव शेयर करेंगे। अच्छा अच्छा, तो अब बोट का एक्सपीरियंस होने लगा। बोट तो बड़ी सजा के रखी हुई है इसने। तो जी सैफल मलूक में बोटिंग का एडवेंचर हो चुका है स्टार्ट। यार लेक में कैसा लग रहा है, बोटिंग में कैसा लग रहा है, और वेदर कैसा है? वेदर वैसे देखा जाए ना, वेदर देखा जाए यहाँ पे ठंडा हो गया ना, मैदान की नस्बत तो काफी यहाँ पे ठंडा गया। और आपको पता है इस झील की जो है घेराई, कोई भी नहीं नाप सकता, किसी को भी नहीं पता अभी प्रॉपर। लेकिन हाँ जी, इस झील का किसी को भी सही तरह आइडिया नहीं कितनी घेराई है। हम वापिस जा रहे हैं, ये हम इस टाइम झील सैफल मलूक पे, और जैसा कि आप देख सकते हैं सैफल मलूक जो मेन झील है वो है पीछे, और यहाँ से नीचे से उसकी तह से गुजरता हुआ एक प्यारा सा ये खूबसूरत व्यू आ रहा है। सैफल मलूक का पानी जब बहुत ज़्यादा अपनी अमाउंट से एक्सीड करना शुरू कर देता है, तो इस चश्मे से यहाँ से इसका पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और ये पानी आगे नहरान वगैरह की तरफ जाना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, आप इसकी ब्यूटी और इसकी अट्रैक्शन का अंदाज़ा यहीं से लगा लें। झील है इसकी तय आपको यहाँ से भी नजर आ रही होगी, हालांकि हम थोड़ा सा नीचे पॉइंट पे हैं। बिल्कुल, तय यहाँ से हमसे ऊपर है, बहुत ऊपर है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अट्रैक्टिव व्यू है जो आप शेयर करना चाहते हैं। इन शॉर्ट ये है कि अगर किसी का बजट कम है और कन्विंस नहीं होती, वो झील सैफल मलूक से शुरू होकर लाहौर तक जा सकता है। साथ ही इतने प्यारे प्यारे मंजर और इतना ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट को एंजॉय करने के साथ ही हमारा ये व्लॉग होता है ख़त्म। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में।